हाय गाइस, मेरा नाम एक्सट्रेज और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि डिफरेंस बिटवीन गैनोरामा नम डुओ एंड डिफरेंस बिटवीन MS3V1। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। फर्स्ट, इसकी पैकेजिंग में डिफरेंस आता है कि आई थिंक इसकी ज़्यादा पैकेजिंग अच्छी है। ठीक है, तो ठीक है, पहला डिफरेंस इसके अंदर आता है। दूसरा डिफरेंस है क्यूब के बॉक्स के अंदर, तो मैं सबके क्यूब के बॉक्स खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक स्टेशन कार्ड मिलता है, ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, सेशन कार्ड मिलता है। और यहाँ पर आपको सेशन कार्ड दिखा दो, आप देख सकते हो स्टेशन कार्ड ऐसे मिल जाता है आपको। और अगर आप MS क्यूब की बात करें तो आपको MS क्यूब का ये भी मिल जाता है, यहाँ पर भी ये मिल जाता है आपको। और ये बहुत कूल कार्ड रहता है, मतलब हाँ, ये बहुत कूल कार्ड रहता है। ठीक है, तो इसकी तो बात ही नहीं है। ठीक है, तो बाजू में रख देते हैं इन दोनों को। तो फर्स्ट आता है डिफरेंस, इसको बॉक्स मिलता है, इसको बॉक्स मिलता है जो कि खुलता है लाइक दिस। बट अगर आप इसकी बात करें तो आपको ये नॉर्मली आ जाता है, ऐसे इसको पैक करके रखते हैं पूरा, तो ये आपको नॉर्मली आ जाता है। तो ठीक है, मैं इसको भी निकाल लेता हूँ और मैं सबको बॉक्स में रख देता हूँ ताकि घूमे ना। ठीक है, तो अभी मैं कर देता हूँ इसको क्लोज और इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस इन क्यूब्स। तो ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट मैं इनको टर्न करके देखूँगा। तो आई थिंक ये गैन 11 एम डुओ ज़रा फास्ट मूव कर रहा है, मतलब इतना भी फास्ट नहीं बट कर रहा है बहुत फास्ट और बहुत नॉइजी भी है, मतलब इतना नॉइजी है कि बोलूँगा। आप देख सकते हो, आपको नॉइज सुनाई दे रही होगी। और अगर आप MS क्यूब की बात करें तो अभी अभी आया है नया ही MS क्यूब, नया ही है, अभी अभी आया है, तो मैंने अभी अभी खोला था। तो अगर आप इसकी बात करें तो बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ी नहीं है बट बहुत ही ज़्यादा कूल है। और आप आवाज़ सुन सकते हो, इतनी भी ज़्यादा इतनी भी ज़्यादा गंदी आवाज़ नहीं आती। और बहुत ही ज़्यादा फास्ट लगता है मुझे ये क्यूब, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, तो अब देखते हैं इनके कलर्स में डिफरेंस। तो आई थिंक इसके ज़्यादा ब्राइट कलर्स है, ब्लू देखते हैं, ब्लू इसका ज़रा ब्राइट है, ऑरेंज तो इसका ही ब्राइट है, और ग्रीन बोले तो इसका ब्राइट है ज़्यादा मुझे लगता है, येल्लो को यही ब्राइट है येल्लो में। तो ये था कलर्स में। और वाइट सबका एक ही रहता है, मुझे लगता है कि ये ज़रा ब्राइटर है वाइट में। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि स्क्रैम्बल करने पर इसको कितना टाइम लगता है सॉल्व करने में। तो मैं कर लेता हूँ इन दोनों को स्क्रैम्बल और देखते हैं किसको ज़्यादा कम टाइम लगता है। ठीक है, मैंने कर दिया दोनों क्यूब्स को स्क्रैम्बल। तो फर्स्ट मैं गैन 11 एम डुओ करूँगा। ठीक है, तो शुरू करता हूँ। मैंने इंस्पेक्शन कर लिया क्यूब का। मैं इतना भी एक्सपर्ट नहीं हूँ बट हाँ, ओह पैर काट कर रहे हैं, मतलब इतना भी एक्सपर्ट नहीं है बट मैं इसके ऊपर एक वीडियो डालने वाला हूँ कि आप कैसे F12 को कंप्लीट कर सकते हो, कैसे फास्ट सॉल्व कर सकते हो क्यूब को। और फिर मैं डालूँगा हाउ टू सॉल्व, OLL सॉल्व हो गई, नो प्रॉब्लम, OLL सॉल्व हो गई थी, तो मैं उसका टाइम कर। ठीक है, तो इसका तो फास्ट हुआ, मुझे ज़्यादा फास्ट नहीं लगता। अब इसका देखते हैं, ओ भाई वो इतना फास्ट है, सही है। इसके अंदर कौन से मैग्नेट भरे हैं, इसके अंदर कौन से मैग्नेट है, कौन से टाइप के मैग्नेट हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा फास्ट मिल रहा है। ओहो भाई इतना कूल फास्ट कभी नहीं घूमा ये, वाह। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा फास्ट है। तो अब हम लोग दोनों के सेंटर गैप्स खोलते हैं और देखते हैं कि कौन सा कि सेंटर गैप्स ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, तो भाई से देखिए इसका कितना क्रेजी, मतलब
यहाँ पर भी मैग्नेट्स लगे हुए सेंटर्स पर, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको बस ऐसे से स्प्रिंग वाली सेटिंग्स मिल जाती है। तो जरा मैं इनको फिक्स कर लूँ सेंटर्स को। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि आपका जो गैन वैन एम डो है जरा सा वो है, मतलब इतना भी है कूल नहीं है, बट हाँ बहुत नॉइज़ी है वैसे ही जी। तो अब दूसरी बात, अब बात आती है किसकी, अब सॉरी बात आती है एक्स्ट्रा स्टिकर्स की। तो आपको इसके साथ एक्स्ट्रा स्टिकर्स नहीं मिलते, बट गैन इलेवन मतलब गैन थ्री गैन क्या है एम एस थ्री वी वन का जो क्यूब में है आपको एक्स्ट्रा वो भी मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा स्टिकर्स भी मिल जाती है जिसको आप लगा सकते हो अपने क्यूब पर, आप देख सकते हो ठीक है। तो ये भी मिल जाता है। तो अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स इतना कूल, और इसके संग एक इतने बड़ी बड़ी स्प्रिंग्स मिलती है, देख सकते हो आप इतनी बड़ी बड़ी स्प्रिंग्स मिलती है, मुझे यकीन नहीं होता। और यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टिकर्स बहुत अच्छा है, एक्स्ट्रा स्टिकर्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं इसके साथ। और बाकी इस क्यूब की बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, और अब बात करते हैं इसकी कॉर्नर कटिंग से। तो फर्स्ट गैन इलेवन एम डो की कॉर्नर कटिंग से बात करते हैं। हाँ इतना तो कर लेता है आराम से, इतना भी कर लेता है आराम, इतना कर लेता है, थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ता है, कर लेता है। इससे आगे करें तो नहीं, इतना तो आराम से कर ले। और इसके बैक कॉर्नर कटिंग की बात करें तो इतना करता है, इतना भी करता है, इतना नहीं करता, इतना करता है, इतना तो करते। अब इसके कॉर्नर कटिंग्स की बात करते हैं, ओ बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो इसकी कॉर्नर कटिंग्स हैं। और इसके आगे बात करें तो नहीं करता, बट प्रेशर लगाना पड़ता है, जितना गैन इलेवन एम डो में इतना यहाँ पर प्रेशर लगाना पड़ता है, उतना ही यहाँ पर भी प्रेशर लगाना पड़ता है। आई थिंक कर लेता है आराम से, कर लेता है, हाँ कर लेता है आराम से फ्रेंड्स। उसके बैक कॉर्नर कटिंग्स की बात करें तो उसकी बैक कॉर्नर कटिंग्स बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, उसकी बैक कॉर्नर कटिंग्स थोड़ी सी अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी है, बैक कॉर्नर कटिंग्स अच्छी है इसकी। और इसकी आगे वाली कॉर्नर कटिंग्स भी बहुत अच्छी है, मतलब क्यूब भी पूरा अच्छा है इसका। तो आई थिंक द बेटर क्यूब इज द इन द इज सॉरी द बेटर क्यूब इज दिस इन माय हैंड, ओके दिस इज द बेटर क्यूब इन द वर्ल्ड, नो इन नॉट इन द वर्ल्ड बट यस इट्स अ बेटर क्यूब, ओके आई थिंक ये बहुत ज़्यादा बेटर क्यूब है मेरे लिए। अगर आपको ये एम डो पसंद है तो आप एम डो भी ले सकते हो, बट आई थिंक आपको लेना तो चाहिए ये वाला क्यूब। एम डो महंगा भी मिलता है और बहुत नॉइजी भी है और ज़रा फास्ट भी नहीं है। तो और ये इससे एक ही 1000 कम का है, ये मतलब ये 3000 का मिलता है आपको और ये 2000 का मिलता है, बिट ये भी बिट एक्सपेंसिव है बट अच्छा है जिनको गैन इलेवन एम डो का मतलब प्रो का ख़रीदना है। तो बस इतना आज के लिए, बस इतना ही, बाय।